हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जतिन वशिष्ठ और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो मिरेकल बॉक्स के इंट्रो। मिरेकल बॉक्स से हम कैसे चाइनीज़ फ़ोन के पासवर्ड को रीड कर सकते हैं और उसको अनलॉक कर सकते हैं, ये हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, ये मेरे पास एक चाइनीज़ फ़ोन रखा है। मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ फ़ोन को और हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, किस चीज़ का पासवर्ड है इसमें और उस पासवर्ड को मिरेकल बॉक्स से कैसे अनलॉक करें वो आज हम सीखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें मैं अगर पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 तो इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है। अगर मैं डालता हूँ 0000 तो फिर भी ये इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है। तो इसको हम आज अनलॉक करेंगे मिरेकल बॉक्स की हेल्प से। तो आइए देखते हैं कैसे हम ये करेंगे। सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ। फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ कंडीशन में आप कनेक्ट करेंगे मिरेकल बॉक्स से। मिरेकल बॉक्स का जो वर्जन है मेरे पास, लेटेस्ट वर्जन है मिरेकल बॉक्स 2.67, वो मैं आज यूज़ करूँगा इस वीडियो में। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, आप अपने फ़ोन अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना ना भूलें, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम के सीपीयू होते हैं उनको डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट मोड में ही डिटेक्ट हो पाते हैं वो। तो उसके लिए आपको पता है क्या उसका प्रोसीजर है। आप कंप्यूटर को शट डाउन कीजिए, उसके बाद उसको स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यूसली F8 की को आप प्रेस करते रहिए, तो आपके पास एक ये वाला मेन्यू आएगा। इस मेन्यू में सबसे नीचे जाएंगे आप, तो आपको ये वाला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है, डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट। उस पर आप सेलेक्ट करके कर्सर कंट्रोल की से एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर उस मोड में रिस्टार्ट हो जाए। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने फ़ोन को डिटेक्ट करते हैं मिरेकल बॉक्स में और कैसे इसके कोड्स को रीड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे। डिवाइस मैनेजर के लिए हम कंप्यूटर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे जाएंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास ये विंडो ओपन होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर मैनेजमेंट विंडो। अब इसमें आप कंप्यूटर मैनेजमेंट विंडो में आप जाएंगे डिवाइस मैनेजर पे। तो दोस्तों ये हमारा डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया है। डिवाइस मैनेजर में एक आपके पास लंबी सी लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये पोर्ट्स का ऑप्शन है। जब आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोन यहीं पर डिटेक्ट होगा। तो जो स्प्रेडम फ़ोन है उसमें हमें कुछ बूट कीज प्रेस करनी पड़ती है, मीडिया टेक में भी कभी कभी बूट कीज प्रेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन को विदाउट प्रेसिंग यानी बूट की कनेक्ट करके देखेंगे डेटा के वजह से, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई डिवाइस शो करता है या नहीं करता है। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं मैं ये अपने फ़ोन को यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, इस फ़ोन को डेटा केबल से ये मैंने फ़ोन कनेक्ट किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है और फ़ोन ऑन हो गया। फ़ोन ने चार्जिंग स्टार्ट करती है, यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है चार्जिंग ऑप्शन और द यू डिस्क ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं विदाउट प्रेसिंग यानी बूट किया अभी फ़ोन डिटेक्ट नहीं हुआ है। अब हम ट्राई करते हैं कुछ बूट कीज प्रेस करके इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्प्रेड टर्म में मोस्टली फ़ोन्स में जो बूट कीज होती है ये होती है या ये होती है, मीडिया टेक में भी कई बार यही बूट कीज होती है, कभी ये भी हो सकती है आपकी, कभी ये भी हो सकती है। तो आपको सारी बूट कीज वन बाय वन ट्राई करनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले मैं ये वाली बूट की प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करके देखता हूँ। मैं अभी ये वाली बूट की प्रेस करता हूँ, देखता हूँ ये काम करती है नहीं। ये मैंने बूट की प्रेस करी और यहाँ से फ़ोन को कनेक्ट किया। अभी अभी आप देख रहे हैं कि फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ, ये फिर से चार्जिंग मोड में चला गया, तो इसका मतलब कि ये हमारी बूट की नहीं है। तो मैं फिर से इसको डिसकनेक्ट करता हूँ, मैं ये वाली की प्रेस करके देखूँगा। मैं इस वाली की को प्रेस करके रखता हूँ और केबल को इंसर्ट करता हूँ। कंप्यूटर में कोई साउंड नहीं आई है कि कोई डिवाइस कनेक्ट हुआ, और आप देख सकते हैं फिर से चार्जिंग मोड में स्टार्ट हो गया फ़ोन। तो इसका मतलब ये भी हमारी बूट की नहीं है। अब मैं ये सेंटर वाली की प्रेस करके देखता हूँ, देखता हूँ कंप्यूटर इसको डिटेक्ट करता है फ़ोन को या नहीं। ये मैंने की प्रेस करके रखी और मैंने कनेक्ट किया। देख सकते हैं कि एक आवाज़ आई है कि डिवाइस डिटेक्ट हुआ है, और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये यहाँ पर डिवाइस मेरा डिटेक्ट हो गया है, SCI एंड्रॉयड USB 2.0। इट मीन्स ये जो मेरे पास फ़ोन है ये स्प्रेडट्रम CPU का फ़ोन है। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये फ़ोन SPD है, और अब जब आप कुछ देर तक इस पर कोई फंक्शन नहीं करेंगे तो वापस से चार्जिंग मोड में चला गया। तो हमें ये पता लग गया कि ये हमारे पास जो फ़ोन है इसमें स्प्रेडट्रम CPU है। अब हम अपना मिरेकल बॉक्स सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और देखेंगे उसमें हम कैसे इसके कोड्स को रीड करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा CPU है, हमें सिर्फ ये पता है ये स्प्रेडट्रम है, लेकिन मॉडल कौन सा है स्प्रेडट्रम का वो हमें नहीं पता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो हम कैसे पता लगाएंगे।
सबसे पहले आप अपना मिरेकल बॉक्स ऑन करेंगे। हमने यहाँ अपना मिरेकल बॉक्स को ऑन कर दिया है। अभी सॉफ्टवेयर लोड होने में कुछ टाइम लगाता है, सो तब तक आप वेट करिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर आइकन आ गया मिरेकल बॉक्स का, ये बीप बज चुकी है बॉक्स की और ये मिरेकल बॉक्स ओपन हो गया। वर्जन आप देख सकते हैं परचेज्ड वर्जन है, क्रैक वर्जन नहीं है 2.67। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे SPD टैब में। सो दोस्तों मोस्टली जो फ़ोन्स होते हैं कीपैड वाले फ़ोन्स, उसमें ये दो CPU होते हैं, Spreadtrum 6530 या फिर Spreadtrum 6531। तो इन दोनों को आप वन बाय वन करके, एक बार मैं 6530 को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ रीड इन्फो पर और उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स अब मैं ये बूट की, सेंटर वाली बूट की प्रेस करके अपने फ़ोन को कनेक्ट कर देता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन रीड कर रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे कि फ़ोन कनेक्ट हो गया है हमारा, लेकिन रीड यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं डिवाइस मैनेजर में जाऊँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि येलो ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं एक बार दोबारा से इसको डिसकनेक्ट करके दोबारा से रिकनेक्ट करूँगा और फिर देखूँगा कि क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं। कि मैंने इसको डिसकनेक्ट किया फ़ोन को, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे मिरेकल बॉक्स में, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और थोड़ी देर तक इस बूट की को आप प्रेस करके रखेंगे। मैंने बूट की प्रेस करके रखी थोड़ी देर तक, उसके बाद मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और अब ये मेरा फ़ोन जो है आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पर मिरेकल बॉक्स में डिटेक्ट हो चुका है फ़ोन। और अगर मैं डिवाइस मैनेजर ओपन करूँ यहाँ से तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि वो येलो ट्रायंगल जो आ रहा था पहले वो अब नहीं आ रहा है। सो अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बूट लोडर ID 19 GR, इसका मतलब कि ये डिवाइस जो इस CPU है 6530 नहीं है। हम CPU को चेंज करके देखते हैं यहाँ से, हम इसको एक बार 6531 पे करते हैं, उसके बाद हम फ़ोन को डिसकनेक्ट कर देते हैं। बैटरी निकाल के एक बार दोबारा से इंसर्ट करेंगे फ़ोन में, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद मैंने स्टार्ट बटन पे दोबारा से क्लिक किया और अब मैं अपने फ़ोन को फिर से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट किया, फोन अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, फिर से येलो ट्राइंगल आ रहा है, तो मैं एक बार दोबारा डिस्कनेक्ट करके इसको रिकनेक्ट करूंगा। कभी कभी जैक में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से भी फोन कभी कभी टाइम लेता है आपका कनेक्ट होने में, तो थोड़ा पेशेंस है आप इस काम को करेंगे। आप देख सकते हैं कि बार बार फ़ोन कभी कनेक्ट हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू पैनिक, आप पेशेंटली अपना काम कीजिए, क्योंकि ये चाइनीज़ फ़ोन होते हैं टाइम लगता है इनको कनेक्ट होने में। और ये देखिए फ़ोन कनेक्ट हो गया है मेरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रीड कर रहा है इंफॉर्मेशन। आप CPU टाइप देख सकते हैं 6531A और इंफॉर्मेशन यहाँ पर रीड हो रहा है, फ्लैश मॉडल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्लैश फाइल का साइज भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम दोस्तों सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वेट करना है। ये हमारा फ़ोन है जो कि कनेक्टेड है, हमें वेट करना है इस प्रोसेस को पूरा होने का। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो भी इन्फो आएगा उससे हम इस फोन को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। आप वर्जन देख सकते हैं मिरेकल बॉक्स 2.67 वर्जन है मेरे पास। और अगर मैं आपको अपना डिवाइस दिखाऊं डिवाइस मैनेजर में, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉपरली कनेक्टेड है।
जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का येलो ट्रायंगल जब कभी भी किसी डिवाइस पे आया, इसका मतलब या तो ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है, वो डिवाइस सही से कनेक्ट नहीं हुआ है आपका। अगर आप अपने कंप्यूटर को डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट मोड में नहीं ऑन करेंगे, तब भी ये येलो ट्रायंगल कभी कभी आता है। तो जब भी आप कोई भी फ़ोन कर रहे हो, पहले ही अपने कंप्यूटर को डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट मोड में स्टार्ट करें, क्योंकि आपको कभी कभी नहीं पता होता है कौन सा आप सीपीयू आपके फ़ोन में है, MTK है, एस्पेक्टम है या RDA है। तो पहले ही आप उस चीज़ को, प्रिकॉशन को लेकर चलें। तो हम वेट करेंगे थोड़ी देर जब तक हमारे फ़ोन का इन्फॉर्मेशन रीड होती है। फोर परसेंट हो चुका है ये, 45। देख सकते हैं आप, जो मैंने सीपीयू सेलेक्ट किया था ये था स्पेक्ट्रम SPD660L, और लास्ट में आप देख सकते हैं ये 6531 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये हमारे टैब है रीड इनफो SPD।92%, 93%, 94, 95, ऑलमोस्ट हमारा पूरा रीड होने वाला। फ़ोन को तब तक आप डिस्कनेक्ट मत कीजिए प्लीज़। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए IMEI नंबर यहाँ रीड हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक प्राइवेसी कोड 1234, अनलॉक कोड इज 8560, स्क्रीन लॉक इज 1111। तो ये जो आप देख सकते हैं अनलॉक कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कोड हम एंटर करके देखेंगे। फ़ोन को हम डिस्कनेक्ट करते हैं पहले। ये मैंने फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया, बैटरी एक बार निकाली और फिर से बैटरी इंसर्ट करेंगे। उसके बाद मैं फ़ोन को ऑन कर देता हूँ, फ़ोन स्विच ऑन हो गया है। अब मैं इसमें ये देख सकते हैं आपकी इनपुट पासवर्ड, पासवर्ड मैं डालूँगा यहाँ पर 8560, 8560, उसके बाद ओके। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो पासवर्ड था वो था 8560। सो फ्रेंड्स, ये तरीका होता है किसी भी चाइनीज़ फ़ोन के कोड्स को रीड करने का और उनको अनलॉक करने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके कोई भी जो इश्यूज़ हो, प्रॉब्लम्स हो, कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। एंड आई एम रियली सॉरी, ये वीडियो मेरा काफ़ी टाइम बाद आया है, ऑलमोस्ट 1 month के बाद मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स आई वॉज नॉट एबल टू पोस्ट एनी न्यू वीडियो। सो नाउ आई विल बी पंचुअल इन पोस्टिंग द वीडियोज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। दिस इज़ जतिन वशिष्ठ साइनिंग ऑफ।